प्रवासी जो पान गुटखा बीड़ी जो खाते हैं वो अपने घर पे खाएं। सुबह सुबह सैर जी अंडरबियर में गली में घूमने लग जाते हैं, उस वो अच्छी बात नहीं है। जो हमारी बहुएं बेटियां जो हमारे माता गुरुद्वारा साहब आते हैं ओहो अच्छा नहीं लगता। नहीं, ये फैसला किसी का नहीं है, फैसला गांव के सभी बंदों का है। जिसके लिए सही है, जो अपने नहीं करते हैं उनके लिए तो सही है, जो करते हैं उनके लिए क्या सही है, उनके लिए तो कुछ नहीं है। प्रवासियों का सलाह मसला किया गया है, ये अच्छी बात है। हमने एक बोर्ड छपाया है जिसमें हमने अपील की है, जो भी बाहर से लोग यहाँ रहने आते हैं किराए पे, उनके लिए एक हमने अपील की है कि वो अपनी वेरिफिकेशन नंबर एक पे जो वेरिफिकेशन है पुलिस द्वारा की जाती है वो ज़रूरी कराएं, क्योंकि कोई भी क्रिमिनल बंदा बाहर गलत कोई भी गलत गतिविधि कर कर यहाँ पर आकर ना रहे। और जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो है प्रवासी जो पान गुटखा बीड़ी जो खाते हैं वो अपने घर पे खाएं, क्योंकि हमारे यहाँ पे 4 तो गुरुद्वारा साहब हैं और मंदिर हैं, इसलिए हम कहते हैं कि वो लोग ना गुटखा बीड़ी खाकर वो थूक देते हैं, गुरुद्वारे के मूरा थूक देते हैं, मंदिर के मूरा थूक देते हैं, उससे क्या वो बेअदबी होती है। हम नहीं चाहते हैं भी ये बेअदबी हो और बीमारी फैलने का खतरा रहता है, इसलिए हमने चाहते हैं भी हम कोई भी व्यक्ति हो, ऐसे नहीं होता भी हम इस एक सुविधा को टारगेट कर रहे हैं, कोई भी हो किसी भी वर्ग से हो। तो तीसरा हमारा है जो वो है जहाँ पे किराएदार जो है वो रहते हैं उनको जो कमरे में वो रहते हैं उनके लिए जो मकान मालिक है वो कूड़ा दान फिक्स करे, भी उनको जो कूड़ा होता है वो अपने डस्टबिन में डालकर तो दूसरे दिन सुबह हमारा काउंसलर का एक डिब्बा बाहर रखा होता है उसमें डालें, ताँ जो पिंड में गंदगी ना पड़े। और जो हमारा चौथा है वो है रात को 9 बजे का, उसमें ऐसे नहीं किया गया है भी रात को 9 बजे के बाद आप जा ही नहीं सकते हो, आप आ नहीं सकते हो, जिनकी ड्यूटी 10 बजे ख़त्म होती है वो तो बाद में ही आएंगे ना, इसलिए हमने ऐसा कोई नहीं है भी वो 9 बजे के बाद आ ही नहीं सकते। ये उनके लिए है जो रोटी पानी खाकर बच्चे हैं जो नाबालिग हैं जो वो गेड़ी मारने निकलते हैं, हॉर्न पे हाथ रख कर ना पूरी स्पीड में मोटरसाइकिल को भगाते हैं और गेड़ी कहते हैं उसको भी हम गेड़ी लगाने चलते हैं, वो बंद किया है हमने भी, ऐसा मत करो, जो काम है तो बाहर जाओ, अगर कोई ज़रूरत है कोई बीमार है उसको भी अस्पताल जाना है तो जाए, कोई बात नहीं है। उसके बाद जो 5वां पॉइंट है जो बंदे वेरिफिकेशन कराएंगे वो ही गांव में रहेंगे, गांव में एक कमरे में एक परिवार या दो परिवार ही रह सकते हैं। क्या होता है एक कमरे में 10-10, 12-12 लोग रहने लग जाते हैं, उससे क्या होता है उनमें आपस में लड़ाई होती है, जो साथ में परिवार रहते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए हम चाहते हैं भी जिनकी वेरिफिकेशन हो एक ही परिवार के, चाहे उसके माता पिता हों बच्चे हों जितने भी हों वो रहें, ताँ जो ये हिंसक घटनावां हो रही हैं वो ना होएं। और जो हमारा 6th पॉइंट है वो है प्रवासी पिंड विच अध नंगे घूमने का है, जो उसमें ऐसे है जो सुबह सुबह लोग गुरुद्वारा को आते हैं तो सुबह सुबह जो कल्ली अंडरबियर में लोग कई घूमते हैं, सुबह सुबह सैर जी अंडरबियर में गली में घूमने लग जाते हैं, उस वो अच्छी बात नहीं है। जो हमारी बहुएं बेटियां जो हमारे माता गुरुद्वारा साहब आते हैं ओहो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम चाहते हैं भी जो एक
कैपरी होती है, एक टी शर्ट होती है, वो पहन कर रखें जो बाहर जाना है। आप अपने कमरे में जो मर्जी पहनो, हमें कोई इतराज़ नहीं है। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है सत्तवां जी, नाबालिग बच्चे जो बिना कागज़ से, बिना नंबर प्लेट से मोटरसाइकिल बहुत तेज़ भगाते हैं, हम चाहते हैं भी वो धीरे चलाएं, आराम से चलाएं, और ना ही चलाएं तो अच्छी बात है। हम उनके माँ बाप को भी यही अपील करते हैं भी जिसका बच्चे का लाइसेंस नहीं है वो अपने बच्चों को मोटरसाइकिल ना दे। उसके बाद जो हमारा आठवां पॉइंट है वो है पार्किंग का। जो मकान मालिक का कमरे बना लेते हैं वो अपने पैसे के लालच के लिए पार्किंग नहीं छोड़ते, तो जो किराएदार होता है वो सड़क पे गली में पार्किंग खड़ा देता है, इसलिए लड़ाइयों का खतरा बना रहता है। हम चाहते हैं भी जिनके कमरे हैं वो पार्किंग कमरों के अंदर लगनी चाहिए, अंदर पार्किंग होनी चाहिए ताकि जो लड़ाइयाँ झगड़े ना हो। और उसके बाद हमारा नौवां पॉइंट है पानी का। क्या होता है, एक ही कमरे में 10-10 बच्चे बंदे रहेंगे तो 5 कमरे हुए तो 50 बंदे होंगे, और कनेक्शन एक होता है जिससे पानी की समस्या अगले परिवार को आती है। हम चाहते हैं भी जो कनेक्शन है वो भी उसी मुताबिक लिया जाए, कमर्शियल लिया जाए, ताँ जो अगले बंदे को प्रॉब्लम ना आ सके। हमारा जो 10वां पॉइंट है, जो भी बंदा गांव में रहने आएगा वो जो उसकी वेरिफिकेशन नहीं कराएगा मकान मालिक, तो जे वो कोई वारदात कर जाता है तो जो उसकी जिम्मेवारी होगी वो मकान मालिक की होगी। जो 11वां पॉइंट है हमारा वो जो प्रवासी कहते हैं इनके फेवर में है, क्योंकि जो बंदे दिहाड़ी करते हैं वो 31,000-51,000 नहीं दे सकते, जब उनका शादी होती है, जब बच्चा जन्म लेता है तो इतने पैसे वो नहीं देते, जो हिजड़े होते हैं वो इतने पैसे मांगते हैं। तो हमने ये प्रस्ताव रखा है भी जो उनको पैसे देने हैं, जी अगर बच्चा हुआ है तो आप 2100 दें, अगर बच्चे की शादी हुई है तो आप 3100 दें। सो ये सारे फेवर दी गल्लां हैं साहब दियाँ, तो पिंड नूं साफ सुथरा तो बीमारी तो मुक्त बनाउण वास्ते ये गल्लां करियां गईयां जी। ये फैसला किसका माना जाए, किस लिए? नहीं, ये फैसला किसी का नहीं है, फैसला गाँव के सभी बंदों का है। हमारा यहाँ 16 साल से रह रहा हूँ, यहाँ पे झंडपुर में 16 साल से रह रहा हूँ मैं। उसके बाद तो ये स्टेप उठाया गया है, 11 पॉइंट है, इसमें प्रवासियों के लिए कई कदम उठाए गए हैं गांव द्वारा, क्या सही मानते हैं? हाँ जी, सही मानते हैं जी, जो भी है काम सही है। ये जो गंदगी बाहर फैलाना है इसमें नहीं होना चाहिए, जो अपना कूड़ादान रखने के लिए जो कहें वो सही बात है। जो भी रात में जो कह रहे हैं MC साहब ने, जो हमने नंगा जैसे कोई भी कच्चा बनियान पहन के घूमता है, ये सही बात नहीं है। इसको लिए तो मान लीजिए जो काम करे तो सही है, जो अपना मतलब नहीं घूमना चाहिए ऐसे नंगे कच्चा बनियान पे। इसके लिए प्रवासी आप मानते यहाँ रहते होंगे? प्रवासी यहाँ पर हम लोग तो अभी अपना में 8-10 बंदे रह रहे हैं हम तो यहाँ पे, और बंदे तो माने यहाँ पर जो पिंड में तो बहुत काफ़ी रह रहे हैं, उतना कहाँ पता है जी कितने बंदे रह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, इसमें वो ऐसे में ये जो पॉइंट्स हैं सबके लिए जरूरी मानते हैं। देखिए, जो सही बंदा है उसके अपने लिए तो सही है, जो मान लीजिए जैसे करता है उसके लिए तो सही नहीं है, तभी ऐसे करते हैं सर। अगर मान लीजिए जिसके लिए सही है, जो अपने नहीं करते हैं उनके लिए तो सही है, जो करते हैं उनके लिए क्या सही है, उनके लिए तो कुछ नहीं है। इस हिसाब से मैं 2005 से रह रहा हूँ। कितने प्रवासी होंगे जो यहाँ पर रह रहे हैं? प्रवासी तो बहुत है जी, गिनती नहीं है प्रवासियों की। तो ये जो रूल बनाए गए हैं, सुझाव दिए गए हैं, 11 सुझाव हैं जी, तो ग्रामीणों ने इसमें प्रवासियों की सलाह मशवरा किया गया जी, प्रवासियों का सलाह मशवरा किया गया है, ये अच्छी बात है। तो ये रूल बनाए गए, इनसे सहमत हैं आप लोग? जी जी, हम लोग सहमत है। बनाने चाहिए क्या? नहीं बनाने चाहिए जी, गांव मिस्त्री के रूल बनाने चाहिए जी। वैसे क्राइम को रोकने का काम तो पुलिस का होता है, लेकिन ये रूल गांव में बनाए गए नहीं, ये इसको रोकना नहीं चाहिए।